नमस्कार दोस्तों, मैं ईटेक इंस्टीट्यूट मालोट कानपुर से मिस्टर अमित बात कर रहा हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, मिस्टर सुरेश जी, ठीक, जिनका कि कोर्स हो गया है। अब वो अपने वापस दुकान गांव जा रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे सुरेश जी कि यहाँ पे आने के बाद उनको कैसा लगा, इसके पहले क्या करते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको सुरेश जी से मिलाते हैं। और सुरेश जी का देखिए सर्टिफिकेट भी कंप्लीट हो चुका है। हम दिखाते हैं आपको सुरेश जी का सर्टिफिकेट। आज कम से कम 6-7 स्टूडेंट जा रहे हैं, ठीक, जिसमें कि सुरेश जी हमारे उड़ीसा से हैं। बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है इनका, सुरेश जी का, सीधे साधे व्यक्ति हैं ये जी। तो ये देखिए, ये सुरेश जी का सर्टिफिकेट है हमारे, ठीक है। और चलिए सुरेश जी, तो आप बताइए कि इसके पहले क्या करते थे और यहाँ पे कैसे आना हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सुरेश जी बताएंगे, ठीक है, और आप इन्हीं के माध्यम से सुनिए सारी चीज़ें। तो जी बताएं सुरेश जी, इसके पहले, और आगे आ जाइए, आवाज़ नहीं आएगी, इसके पहले क्या करते थे सुरेश जी आप? इसके पहले मैं वो गाँव में खेती बाड़ी करते थे, और ये दुकान भुकान किराना का सब ये खुला था, और मैं YouTube के माध्यम से देखा तो वो ये मोबाइल का कोर्स इतना पैसा होता है, इतना कम पैसा में है बोल के वो आया। तो आपका गांव कहाँ है उड़ीसा में, कौन सा गांव पड़ता है आपका? उड़ीसा बलंगीर डिस्ट्रिक्ट है, और भरसुजा पंचायत है, ग्राम जेमापाली है, पोस्ट डुड़का है जी। तो ये सर वहाँ के रहने वाले हैं उड़ीसा से, और आपको यहाँ पे आए हुए कितने दिन हो गए सर? और एक महीना 15 दिन 10 दिन हो गया। एक महीने 15 दिन और 10 दिन हो गया, मतलब कि इनका 40 से 45 दिन में समथिंग इनका कोर्स समाप्त हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स में क्या क्या सीखा जा रहा बताइए आप सबको? वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा सटीक सिखाया जा रहा है जी, और सब हम सीख के पूरा बहुत खुश है जी। आईसी वगैरह बताई गई? आईसी बताया गया आपको? सभी चीज़ बताया गया है। और सेमेटिक वगैरह? सभी सेमेटिक भी दिया, बर्नियो का पूरा सभी बताया गया। इनको UFI के माध्यम से सारी ट्रेनिंग कराई गई है, और हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को, जैसे कि ये बहुत ही छोटे से गांव के हैं, ठीक है, उड़ीसा में बहुत ही छोटा सा गांव पड़ता है एक, जो कि खेती किसानी करने वाले, ठीक है, जिसको कहते हैं किसान होते हैं। इनके पापा एक मजदूर किसान हैं, ठीक है, हाँ किसान हैं इनके पापा एक, ठीक है। तो वो यहाँ पे आकर के इन्होंने सीखा कि हम कम से कम अपनी फैमिली का, अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकें, इसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं ये लोग। और इनका लोगों का व्यवहार जो रहता है इतना अच्छा रहता है, वहाँ से लगता ही नहीं कि ये लोग उड़ीसा से आए हुए हैं। हम लोग खुद नहीं सोच सकते थे कि ये लोग उड़ीसा से आने के बाद में इतना अच्छा बिहेवियर होता है इन लोगों का, और यहाँ पर आने के बाद लगता ही नहीं है कि ये उड़ीसा के हैं, ये लगता है कि यूपी के लोग हैं, अपने बिल्कुल हॉस्टल में ही रहते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरह रहे ये लोग। और हमारे इनके साथ पूरे इंस्टीट्यूट की जितना भी परिवार है, ठीक है, पूरी अच्छे से शुभकामनाएँ हैं। तो इसके बाद सुरेश जी जा करके, आप यहाँ से जाके बाद क्या करना चाहते हैं? मोबाइल की शॉप ओपन करेंगे या आप अभी किसी दुकान में काम करेंगे? नहीं सर, मैं खुद मोबाइल का सब मैं ओपन करेंगे जी। अभी ये मोबाइल की शॉप ओपन करेंगे, पूरी अच्छी सी ट्रेनिंग के साथ में जा रहे हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देते हैं कि ये जब अपनी शॉप ओपन करेंगे, सर कितने दिन में ओपन करेंगे आप? कम से कम तो जाके तो 1-1.5 महीना लग सकता है। 1-1.5 महीने बाद ये अपनी शॉप ओपन करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, अब इनका चेहरा दिखाइए सर को, ये उड़ीसा से हैं, मिस्टर सुरेश जी हैं, हम इनको दिखाएंगे इनका वीडियो, ठीक है, जो अपनी शॉप ओपन करेंगे उसका हम आपको वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो वो भी हम इनको वीडियो दिखाएंगे कैसे शॉप इन्होंने ओपन की, किस तरीके से रिपेयरिंग करते हैं, और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं सुरेश जी हमारे। तो ठीक है सुरेश जी।